मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुआई के समय में यूरिया की किल्लत से प्रदेश के किसानों के साथ साथ सरकार की परेशानियां बढ़ गई हैं, जिसके चलते आज रायसेन में यूरिया न मिल पाने पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। साथ ही भोपाल रायसेन रोड पर नेशनल हाईवे क्रमांक 146 पर खाद गोदाम के सामने नारेबाजी कर सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। यूरिया न मिलने से नाराज किसानों को समझाने के लिए पुलिस बल के साथ SDM संजय उपाध्याय को करीब एक घंटे तक मशक्कत करना पड़ी, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से किसानों को समझाया कि 23 दिसंबर को मुंबई से दो आने के बाद ही किसानों को खाद मिल पाएगी। रायसेन जिला मुख्यालय पर स्थित सरकारी गोदाम में सुबह 4 बजे से यूरिया के लिए लाइन में लगे किसानों को जैसे ही पता चला कि गोदाम में केवल 60 बोरी बची हुई है, किसानों के बीच अफरा तफरी मच गई। नाराज किसान नेशनल हाईवे पर आकर चक्का जाम करने बैठ गए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन व पुलिस की मदद से इस जाम खुलवाने के लिए खासी मशक्कत करना पड़ी। प्रशासन ने बताया कि 23 दिसंबर को मंडीदीप व मुंबई से दो रैक आने वाली हैं, जिसके बाद किसानों को फिलहाल दो दो बोरी ही दी जाएगी। बाकी खाद के लिए फिलहाल किसानों को और अभी इंतजार करना होगा।